स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विनय श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी इंग्लिश ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्लिकानम ऑफ क्लास 10th। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, सो लेट अस डिस्कस द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द चैप्टर। मैडम राइड्स द बस मीन्स मैडम राइड्स सफ़र करती हैं, ट्रेवल करती हैं, द बस बस की, यानी मैडम बस की यात्रा करती हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एंड 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में, इस सेंसिटिव कहानी में, एन 8-year-old गर्ल्स, एक 8 साल की लड़की की गांव के बाहर की दुनिया में पहली बार बस की यात्रा भी उसके जीवन और मृत्यु के रहस्य में शामिल है। मतलब इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में, एक 8 साल की लड़की जिसका नाम बली होता है, अपने गांव के बाहर की दुनिया में, आउटसाइड हर विलेज, अपने गांव के बाहर की दुनिया में पहली बार बस की यात्रा भी उसके जीवन और मृत्यु ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के रहस्य में, मिस्ट्री मीन्स रहस्य में क्या है, शामिल है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सी सीज द गैप, वो एक गैप को देखती है बिटवीन, बीच में, आवर नोइंग, हमारी जानकारी के, यानी वो हमारे नॉलेज, हमारी जानकारी के मध्य में एक जो गैप होता है वो उसको जो है नोटिस करती है। That there is death, जो कि there is death, मृत्यु है, and our understanding of it, और इसके पीछे हमारी जो समझ है वो उसको भी क्या करती है, नोटिस करती है। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें एक यंग गर्ल होती है, एज 8 years old, यानी यंग गर्ल जो होती है वो लगभग 8 वर्ष की होती है, और उसका नाम वली होता है, और वो हमेशा अपने घर के मेन गेट पर खड़ी होकर, गांव से बाहर जो सड़क है उस पर प्रत्येक घंटे आने जाने वाली जो बसें होती हैं वो उसको बड़े गौर से देखा करती थी। उसमें देखती जो बस है वो पैसेंजर से बिल्कुल भरी होती थी, और हर नए बार जब वो बस को देखती तो उसमें जो पैसेंजर्स होते थे, जो यात्री होते थे, हर बार नए चेहरे होते थे। ये दृश्य वो रेगुलर कंटिन्यू जो है देखा करती थी, और फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद अचानक से उसके मन में बस पर स्वयं सफ़र करने की जो इच्छा होती है वो जागृत होती है, और फिर उसको ऐसे लगा कि बस में सफ़र करना ही उसके जीवन का एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, और फिर बस में सफ़र करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, बस में सफ़र करने के लिए जो भी जानकारियाँ होती हैं, वो अपने आस पड़ोस के ऐसे लोग जो रेगुलर कंटिन्यू बस में सफ़र करते थे उनसे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करती है, जैसे कि बस का किराया कितना होता है, बस की टाइमिंग क्या है, बस कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सारी डिटेल्स जो है अपने नाइबर से जो है पता करती है। ऐसे नाइबर होते हैं जो रेगुलर कंटिन्यू बस की यात्रा किया करते थे। फिर अब जब उसको जानकारी हो गई थी, अब इसके बाद जब उसको ये पता चला कि किराया भी लगना है, टिकट लेना पड़ता है बस में यात्रा करने के लिए, तब उसके जो खर्चे थे उसने अपने खर्चों में कटौती किया और इतना अमाउंट कलेक्ट किया जितने में वो बस की यात्रा कर सकती थी। इस प्रकार जब उसके पास बस में यात्रा करने के लिए जब एनफ मीज़र में एनफ अमाउंट हो गया जितने में वो यात्रा कर सकती, फिर एक दिन वो जो है बस की यात्रा करती है, और यात्रा करने के दौरान भी उसके जो कुछ ऐसे सिली क्वेश्चंस, सिली आंसर्स होते थे जिससे कि जो बस के जो भी पैसेंजर्स होते थे, बस कंडक्टर जो था, काफ़ी इन्जॉय करते हैं, और इस प्रकार से उस दिन वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करती है। मतलब उसके जीवन का जो एक टारगेट था, जो उसकी एक विश थी, अभिलाषा थी बस में यात्रा करना, वो अपनी अभिलाषा को क्या करती है, उस दिन पूरा करती है। बाकी डिटेल के लिए आइए हम चैप्टर को रीड करते हैं। There was a girl named वली अम्माई, who was called वली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम वली अम्माई,
हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्टकट में जिसका नाम क्या था, वली था, उसे संक्षिप्त रूप में वली कहते थे। सी वाज 8 years old, उसकी जो उम्र थी लगभग 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वह चीज़ों के बारे में काफ़ी क्यूरियस रहती थी, काफ़ी एक्साइटेड रहती थी, काफ़ी जिज्ञासु रहती थी। हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका जो फेवरेट पास्ट टाइम था यानी जो अपना समय वो गुजारती थी, वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर वो क्या करती थी, अपना पास्ट टाइम जो समय था वो उसको क्या करती थी, गुजारती थी। वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वाचिंग देखा करती थी व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा था इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा था वो उसको क्या किया करती थी, वाच किया करती थी। देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे जिनके साथ वो खेल सकती थी। एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और इस तरह से यानी जब उसके पास उसके स्ट्रीट में उसकी गली में उसके हम उम्र का कोई प्लेमेट्स नहीं था जिसके साथ वो खेला करती, जिसके साथ वो खेल सकती, ऐसा कुछ नहीं था, तो इसी वजह से दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, इसी वजह से वो क्या करती थी, अपने मेन गेट पर खड़े होकर वो बाहर स्ट्रीट में क्या करती थी, देखा करती थी। बट फॉर वली, लेकिन जहाँ तक वली की बात है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बाइट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे पर खड़ा होना, वाज एवरी बाइट एंजॉयबल, उतना ही ज़्यादा इंजॉयबल होता था, आनंदमय होता था, एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स, जितना बाकी के जो गेम्स होते थे अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो बाकी के गेम्स जिन्हें दूसरे बच्चे खेलते थे और उस गेम को खेलने से उनको जितनी खुशी मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी बली को उस मुख्य दरवाजे पर खड़े होने पर मिलता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, गली को देखने से उसे बहुत सारे नए नए अनयूजुअल असाधारण एक्सपीरियंसेस अनुभव जो है मिला करते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, उन सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग आकर्षक चीज़ थी, वाज द बस, वो बस था दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो पास के शहर और उसके गांव के मध्य क्या करती थी, ट्रेवल्ड यात्रा करती थी, गुजरती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वह उसके स्ट्रीट से उसकी गली से प्रत्येक घंटे गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार शहर जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनइंडिंग जॉय फॉर वली, जो बस का जो दृश्य था फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, मतलब जो बस का दृश्य था यानी हर बार जब भी वो बस को देखती थी तो देखने के बाद उसको ये मिलता फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, कि उसमें हर बार नए नए पैसेंजर जो है मिलते थे। वाज अ सोर्स ऑफ अनइंडिंग जॉय फॉर वली, और ये वली के लिए कभी ना खत्म होने वाला क्या था, एक आनंद था, एक जॉय था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, दिन प्रतिदिन सी वॉच द बस, वो उस बस को देखा करती। एंड ग्रेडुअली ए टिनी विस क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर, और फिर ग्रेडुअली धीरे धीरे ए टिनी विस क्रेप्ट इन टू हर हेड, उसके मन में उसके मस्तिष्क में एक छोटी सी इच्छा रेंगती हुई आई, क्रेप्ट यानी उसके मन में एक छोटी सी टिनी विस जो है क्रेप्ट हुई रेंगी। एंड ग्रू देयर, और फिर ग्रू देयर, और फिर वो जो इच्छा है वो थोड़ा सा और बड़ी हो गई। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में सफ़र करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक कि अगर उसको एक बार ही केवल सफ़र करने को मिल जाए तब भी ठीक है। दिस विस बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ये उसकी ये जो यात्रा थी बस में सफ़र करने की ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक कि ये एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर नहीं बन गई, मतलब ये जो उसकी डिज़ायर थी वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग डिज़ायर बन गई।
वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली, वली जो है बहुत ही विस्टफुली इच्छापूर्वक वो लोगों को देखती थी, हु गॉट ऑन जो बस में जाते थे, ऑफ और वापस आते थे यानी बस से बाहर निकलते थे, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर जब वो उसके स्ट्रीट के कॉर्नर पर बस रुकती थी तो लोग उसमें से चढ़ते और उतरते और इस दृश्य को वो बहुत ही इच्छापूर्वक देखा करती। दियर फेसेस वुड कैंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके जो फेसेस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कैंडल होते थे। दियर फेसेस वुड कैंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके चेहरे उसकी जो लॉन्गिंग्स थी उसकी जो इच्छाएं थी वो उसको और भी ज़्यादा कैंडल कर देते थे, और भी ज़्यादा प्रज्वलित भड़का देते थे, लॉन्गिंग्स उसकी इच्छाओं को, ड्रीम्स उसके सपनों को एंड होप्स और उनकी आशाओं को। यानी उनके जो चेहरे जो पैसेंजर्स होते थे उनके चेहरे वली के लॉन्गिंग्स वली की इच्छाओं सपनों और उसकी आशाओं को क्या कर देते थे, और भी भड़का देते थे और भी प्रज्वलित कर देते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जीलियस टू लिसन एंड वुड शॉर्ट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अगर उनमें से उसके मित्रों में से कोई एक फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, अगर बस में यात्रा करता एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन हर, और उससे शहर के बारे में शहर के नज़ारे के बारे में डिस्क्राइब करने का प्रयास करता, वली वुड बी टू जीलियस टू लिसन, तो वली इतना जीलियस हो जाती थी, उसको इतनी ईर्ष्या होती थी टू लिसन कि वो उसको सुनना ना पसंद करती, एंड उड साउट और चीखती इन इंग्लिश और ज़ोर से वो अंग्रेजी में एक वर्ड बोलती प्राउड प्राउड। नाइदर सी नार हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो खुद और ना ही उसके फ्रेंड वास्तव में अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस वर्ड की मीनिंग को समझ पाए, ना वो खुद और ना ही उसके मित्र उसके इस वर्ड की मीनिंग को समझ नहीं पाए। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन प्रायः वो इस शब्द का जो यूज करते थे वो स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, वो अपनी अनिच्छा को जाहिर करने के लिए एक स्लैंग मींस एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, स्लैंग स्लैंग मींस इनफॉर्मल वर्ड यानी अनुचित वर्ड, और अपनी अनिच्छा को जाहिर करने के लिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used to the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days, कई दिनों and months और महीनों के बाद, Wally listened carefully to conversation, यानी कई दिन और कई महीनों तक Wally ने अपने पड़ोसियों आसपास के लोगों एंड पीपल और लोगों की कन्वर्सेशन उनकी बातों को केयरफुली सावधानीपूर्वक लिसन सुना करती थी। हु रेगुलरली यूज टू बस, जो रेगुलर रूप से यानी नियमित रूप से वो बस की यात्रा किया करते थे, एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वह उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन किया करती, कुछ सावधानीपूर्वक उनसे कुछ प्रश्न करती। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस प्रकार से उसने विभिन्न प्रकार के various small details बहुत से कई प्रकार के छोटी छोटी details को उसने collect किया about bus journey, बस की यात्रा के बारे में। यानी लोग जो उसके आसपास के लोग होते थे, जो पड़ोसी होते थे, वो बस से सफ़र करते थे continue, और जब वापस आते तो बस के यात्रा के बारे में discuss करते, कन्वर्सेशन करते, और इस प्रकार वली जो है उनकी बातों को ध्यान से सुना करती और उनसे कुछ केयरफुल क्वेश्चन करती, सावधानीपूर्वक कुछ प्रश्न करती, जो भी उसकी क्वेरीज होती थी वो उसको क्या करती, अपनी क्वेरीज को कंप्लीट करती, और इस प्रकार से उसको तमाम जानकारियाँ, एक छोटी से छोटी कई प्रकार की जानकारियाँ उसको हुई। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, वो जो शहर था उसके गाँव से लगभग 6 miles की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो किराया था वो
30 पैसे था, व्हिच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक आदमी को जो कि वेल ड्रेस्ड था उसको कहते हुए सुना कि व्हिच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, यानी 30 पैसे जो किराया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा किराया ये नहीं था। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फॉर वन मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वली के लिए जो बड़ी मुश्किल से इतना पैसा एक मंथ से लेकर दूसरे महीने तक बड़ी मुश्किल से वो देखती थी, इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था, इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, शहर की जो यात्रा थी उसमें जो समय लगता था वो यात्रा लगभग 45 मिनट्स की थी। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुँचने पर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और बाकी दूसरा 30 पैसे वो फिर से पे करती है, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से रिटर्न हो सकती है, उसी बस से वापस घर आ भी सकती है। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड टू बैक होम बाई अबाउट 2:45। इसका मतलब दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये है कि वो दोपहर बाद 1 बजे वाली बस को वो पकड़ सकती है, रीच द टाउन एट 1:45 और 1:45 पर वो शहर पहुंच सकती है, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45 और वापस घर लगभग 2:45 पर वो अपने वापस घर पहुंच सकती है। ऑन एंड ऑन, लगातार वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लांट एंड रीप्लांट, मतलब लगातार ये विचार उसके मन में उमड़ रहे थे, यही सोच उसके मन में चल रही थी, क्योंकि जब वो सी कैलकुलेटेड बार बार वो क्या करती, कैलकुलेट करती एंड रिकैलकुलेटेड और पुनः रिकैलकुलेट करती, उसके बाद जाने का ट्रेवलिंग के लिए प्लान करती एंड रीप्लांट और फिर से रीप्लान करती। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हियर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस एंड अ टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे स्प्रिंग डे को द आफ्टरनून बस, दोपहर बाद वाली जो बस थी, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, वो बिल्कुल गाँव को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे, और हाईवे पर बिल्कुल मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हियर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस को रोको, एंड अ टिनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ वॉज रेज्ड, उठा था कमांडिंगली, आदेश देते हुए, और एक छोटा सा हाथ आदेश देते हुए रेज्ड था, उठा हुआ था। द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउल, बस धीमी हुई और फिर बाद में क्राउल हो गई, मीन्स रेंगने लगी, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग द हेड आउट द डोर, और जो बस कंडक्टर था उसने बस के डोर से अपने हेड को बाहर निकाला, सेड, और कहा, हरी देन, कहा जल्दी करो, टेल हू एवर इट इज टू कम क्विकली, जो कोई भी हो, इट इज़ टू कम क्विकली, जल्दी से आओ, इट इज़ मी, शाउटेड वली, कहा मैं ही हूँ, आई एम दी वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कहा मुझे ही बस में यात्रा करना है, ट्रेवल करना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब बस जो है लगभग स्टॉप हो चुकी थी, यानी रुक गई थी, एंड द कंडक्टर सेड, और बस के कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डू नॉट से सो, कहा हाँ, अरे रियली वास्तव में, यू डू नॉट से सो, आप ऐसा नहीं कहते या ऐसा नहीं लगता, यानी कंडक्टर ने कहा ऐसा नहीं लगता कि आपको ही यात्रा करना है। यस, आई सिंपली टू गो टू टाउन, सेड वली, वली ने कहा
मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज़ माई मनी, और फिर वो कंडक्टर्स कहती है, यानी वो अपने अपना किराया देती है। सी सोल्ड हिम सम क्वाइंस, वो उन्हें कुछ सिक्के दिखाती है कंडक्टर को। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मट गेट ऑन द बस, कहा ठीक है कंडक्टर ने कहा, लेकिन पहले तुम बस के अंदर आ जाओ, सेट द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने उसकी मदद करने के लिए, ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। नेवर माइंड सी सेट, आई कैन गेट ऑन माई ऑन बाई माई सेल्फ, यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी। सी सेड नेवर माइंड, उसने कहा कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं बस में चढ़ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जोली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो जो कंडक्टर था थोड़ा सा जोली था, मजाकिया था। एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और मजाक करना चाहता था, मजाक करने का शौकीन था। ओ प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री विद मी, और उसने मजाक में ही कहा कृपया आप मुझसे नाराज मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी प्रिय मैडम, ही सेड, उसने कहा यानी बस कंडक्टर ने, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सीधे आपके सामने एक सीट है। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर सामने आपकी सीट है। एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, और वो कंडक्टर उसी मजाकिया लहजे में लोगों से कहता है कि एवरीबॉडी मूव ए साइड, सभी लोग किनारे हो जाइए कृपया। मेक वे फॉर मैडम, और इन मैडम के लिए रास्ता दीजिए। इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये जो टाइम था ये बिल्कुल स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम मीन्स ऐसा टाइम जब लोगों के पास करने के लिए कोई विशेष वर्क नहीं होता था, ज़्यादा वर्क नहीं होता था, उसको स्लैक टाइम बोलते हैं। तो ये जो टाइम था ये स्लैक टाइम था, यानी दिन का स्लैक टाइम था। एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस में केवल 6 or 7 पैसेंजर थे। दे वेयर आर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वे सभी लोग वली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ ही साथ सारे लोग हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वली शर्म से शर्मा गई, काफ़ी शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वन साइज, सभी लोगों की आंखों से बचने के लिए सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो शीघ्रता से चलते हुए एक खाली सीट के पास गई एंड सेट डाउन, और उस पर बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हम लोग चल सकते हैं। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्विस्ट, तब उसने दो बार अपनी व्हिसल को बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और फिर बस तेज आवाज के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स, ये जो बस थी ये नई बस थी। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग, इसके बाहर का जो पेंट था वो एक ग्लीमिंग व्हाइट, चमकदार सफ़ेद रंग का पेंट था। विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, जिसमें कुछ हरे रंग की स्ट्रिप्स पट्टियां थी अलॉन्ग द साइड्स, दोनों तरफ। इनसाइड द ओवरहेड, और अंदर की तरफ ओवरहेड सर के ऊपर जो बार्स थे, जो एक लाइन थी, सोन लाइक सिल्वर, वो लगभग चांदी की तरह चमक रही थी। यानी सर के ऊपर की जो एक लाइन बनी हुई थी सर के ऊपर, वो लाइन किस तरह थी, सोन लाइक सिल्वर, वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने, अबव द विंडो सिल के ऊपर, विंडो सिल यानी जो कांच की जो विंडो सिल होती है उसके ऊपर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वियर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट वहाँ की, जो बैठने की जो सीट थी वो बहुत ही सॉफ्ट एंड लग्जरियस थी, मीन्स भव्य, शानदार या विलास में थी, बहुत ही शानदार थी। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली अपनी आंखों से सब कुछ क्या कर रही थी, डेवर्ड कर रही थी, यानी सब कुछ देख रही थी, बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही थी, वॉच कर रही थी। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यूज कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश किया, देखना शुरू किया, सी फाउंड, तब उसने पाया
हर व्यू जो उसकी दृष्टि थी कट ऑफ, वो कट जाती थी बाय ये कैनवास, एक बड़े कैनवास के द्वारा, एक कैनवास एक कपड़ा होता है मोटा कपड़ा ब्लाइंड जो उसको ढक देता था, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी खिड़की के निचले हिस्से को क्या कर देता था, कवर कर देता था, यानी निचले हिस्से पर कैनवास का एक कपड़ा लगा हुआ था जिससे उसको बाहर का दृश्य जो है दिखाई नहीं पड़ रहा था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई एंड पियर्ड और झांकने लगती है ओवर द ब्लाइंड, उस ब्लाइंड के ऊपर, यानी उस कैनवास जहां तक ब्लाइंड था, जहां तक नहीं दिख रहा था, वो उसके ऊपर से बाहर की ओर झांकना शुरू कर देती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, इस समय बस एक नहर के किनारे से जो है जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, वो जो रास्ता था काफ़ी पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, सड़क के एक ओर एक नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और इसके साथ पाम ट्री, एक ताड़ वृक्ष था, पाम ट्री यानी बहुत सारे पेड़ थे, ग्रास लैंड घास का मैदान था, डिस्टेंट माउंटेन्स और दूर माउंटेन्स थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड और दूसरी तरफ वाज अ डीप डिच, एक गहरी डिच थी, एक गहरी खाई थी, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके बाद फिर एकर्स एंड एकर्स यानी एकड़ यानी काफ़ी दूर तक क्या था, ऑफ ग्रीन फील्ड, हरा भरा मैदान, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर तरफ हरियाली थी, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी हर तरफ क्या दिखाई पड़ रहा था, ग्रीन ग्रीन यानी हर तरफ हरियाली ही दिख रही थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, अरे इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, कितना यानी ये सारे दृश्य क्या थे, बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही वंडरफुल थे। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाई ए वॉइस, अचानक से वो एक आवाज़ को सुनकर चौंक जाती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, लिसन चाइल्ड सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन यानी बैठ जाओ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, एंड द रिमेनिंग चैप्टर यू विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।